अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? डॉक्टर अनीता, फरत, रहीला, अब मेरी आवाज़ आ रही है? वीडियो आ रही है? नहीं आ रही जी। वालेकुम सलाम, ठीक, आप कैसे हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, वो थोड़ा सा मसला हो जाता है, इसलिए क्विक रिप्लाई करेंगे। आ भी रही है कि नहीं? मैं तो कहती हूँ नहीं, आवाज भी आ रही है और वीडियो भी ठीक आ रही है। अच्छा, और क्या हाल है, कैसे हैं आज? माशाल्लाह, सेकंड लास्ट क्लास है और बड़ा सफर तय हो गया हमारा, और आज हमने ये सीखना है कि जो हमने सीखा है तो हम आगे बच्चों को भी सिखाएं। कि अच्छा टॉपिक है, आज का थीम तो यह है कि अब हम आगे भी जो चीज़ें हमें पता चली हैं, अब हम बच्चों को भी वो चीज़ें सिखाएं, उनको भी वो अफर्मेशन का बताएं। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं खुद ब खुद, बाकी आ भी जाएंगे, टाइम ख़त्म हो जाता है तो वेट नहीं करते, तो हम शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह चिल्ड्रन आल्सो फेस द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, बच्चे खुद भी, सिर्फ हमें पता नहीं होता कि हम समझते नहीं हैं कि बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। बच्चे अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस होता है। टुडे यू लर्न हाउ टू प्रैक्टिस मिरर वर्क विद लिटिल वन, कैसे हम बच्चों को भी साथ लगा के बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं। एंड यू वॉच द मिराकल्स दैट हैपन्स, ये ऐसा हो सकता है कि हम बच्चों को आज से ही जो है ना, हम उनको अफार्मेशन बताना शुरू करें, और वो भी इसी तरीके से जैसे हमने ये सीखा है कि मिरर वर्क कैसे काम करता है, हम अपने बच्चों पर भी अप्लाई करें तो फिर कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब हम बच्चों के साथ अनकंडीशनल प्यार करेंगे तो वो क्या कैसा होगा? अनकंडीशनल प्यार तो हमें पहले भी नहीं पता था, बच्चों को ही नहीं बल्कि हमें अपने साथ भी अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि क्या जो है ना, मिरेकल्स हमारी लाइफ में और बच्चों के साथ डेवलप होते हैं। तो आज की जो अफर्मेशन है वो है, आई कैन बी व्हाट आई वांट टू बी, ऐसा हो जो मैं मैं वो कुछ हो सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू, मैं वो कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ऑल लाइफ सपोर्ट मी, ऐसा है, अगर आप जो चाहेंगे वही हो सकता है। नर्चर योर चिल्ड्रन इन योर लाइफ जस्ट एज यू आर लर्निंग टू नर्चरिंग योर लाइफ, हमने अपने बच्चों को वैसे ही नर्चर करना जैसे हमने अभी खुद सीखा। हम बच्चों की पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं जब हमें खुद अपना ही अपने अंदर के फ्लाज ही ऐसे थे कि हमें अपने अंदर ही नर्चरिंग प्रॉपर नहीं थी। तो इस कोर्स में हमने सीखा है कि किस तरह से रीपेरेंटिंग की है। तो ये मिरर वर्क में जो है ना, पेरेंटिंग से पहले रीपेरेंटिंग, जो अपनी ही पेरेंटिंग है वो सीखने के बाद जो है ना, बच्चों को हम उस तरह से नर्चर करें जैसे उनकी नेचर है। याद रहे, कोई भी बॉडी, कोई भी पर्सन दुनिया में परफेक्ट नहीं है, और ना तो बच्चे परफेक्ट हैं ना ही पेरेंट्स परफेक्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हमारी चॉइस है कि हमने किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ जो है ना बॉन्ड बनाना है, और किस तरीके से टाइम स्पेंड करना, और लर्निंग और ग्रोइंग में मिस्टेक्स होती हैं और बंदा सीखता है। तो हम तो पहली बात तो हमने ये सीख ली कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। माशाल्लाह, यू आर नियरली एट द एंड ऑफ दिस कोर्स एंड यू आर डूइंग ब्यूटिफुली। आई अप्रिशिएट यूर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। एवरी डे यू प्रैक्टिस यूर मिरर वर्क, यू आर गिविंग यूर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ लव। ऐसा ही है ना, हर दिन आपने अपने आप को गिफ्ट दिया है। And every day you practice your mirror work, you are letting go of old negative beliefs you have been carrying around for so long. Where did these negative beliefs come from? We picked up them as children. We absorbed every word that was said to us. ऐसा ही है ना।
तो जो भी हमने बचपन में सुना था, हम पिछले अरसे पिछले सारे लेक्चर्स में, लेसन्स में, थीम में हम ये चीज़ें सुन जो है ना सुनते भी है और प्रैक्टिस भी की है। तो इस तरह से जो 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 चीज़ें हमें बचपन में नेगेटिव भी चीज़ें मिली, तो वो एज अ अडल्ट हमने उनको नेगेटिवली ही बिलीव किया। जैसे जैसे हम ग्रोन अप हुए और हम एक दूसरे को भी इसी तरह के नेम्स, सम टाइम कितने इस तरह के क्रूल नेम्स और हार्टफुल नेम्स जो हमने एक दूसरे को बुलाया, फिर इसी तरीके से हमारे जो बिहेवियर हैं वो हमने लर्न किए। और बहुत सारे और वेज थे जिनमें पेरेंट्स और टीचर्स थे, उन्होंने हमें सम टाइम उन्होंने हमें जो है ना इस तरह के वर्ड्स बोले, या कभी हमने खुद को ये बोला कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं डम हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं ट्रबल मेकर हूँ, मैं एनफ नहीं हूँ, मैं इस तरीके से बहुत सी स्टेटमेंट हमने अपने साथ की। उसी वजह से जो है हमारे बिलीफ सिस्टम बने। तो अब हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ये जो बिलीफ हमारे बने वो कितना हर्ट करते हैं और डीपली वो एम्बेडेड होते हैं और किस तरीके से हमारे लिए वो पेनफुल और शेम के बाइस बनते हैं। तो अगर हम पीछे देखें तो कितना मुश्किल लेसन था वो वाला, जिसमें हमने अपने आप को अनकवर किया कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो के लिमिटेड बिलीफ थे वो किस तरह से उन्होंने हमें ब्लॉक किया हुआ था। और जब हम मिरर वर्क कर रहे थे और जर्नली वर्क कर रहे थे, तो उसमें कितना मुश्किल थी ये सारे पास्ट की चीज़ों को निकालना और चाइल्डहुड के जो हर्ट्स हुए हुए थे उनको। अभी भी बहुत सारे लोगों के जो काम कर रहे होंगे उनको ऐसे भी हो रहा होगा, और मुझे प्राइवेटली भी बहुत से लोगों ने अपने अपने जो है ना पास्ट के जो चीज़ें हैं वो शेयर भी की हैं। तो वो इसी सूरत में पॉसिबल हुई, वो तो स्टक ही रहती, जो हमारे सबकॉन्शियस का एक उसका उसका ये काम भी है कि वो सुप्रेस रखता है मेमोरी को। लेकिन वो सुप्रेस जो रखता है तो उसके साथ साथ वो पॉपअप भी करता रहता है मुख्तलिफ वो जो है ना ट्रिगरिंग पॉइंट्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे, वो किसी और सूरत में वो बाहर निकलने की कोशिश कर भी रहा होता है। तो इस जो पूरी एक्टिविटीज थी जो मिरर वर्क की, इसमें जो सर्जरी हमने अपने ब्रेन की की, जो लिखने का काम है और जो अफार्मेशन का मेडिटेशन का काम है, उससे बहुत ज़्यादा हमारा अपना फ़ायदा होता है। क्योंकि हमारी हमें एक मौका मिला और हमने अपने आप को डेडिकेट भी किया और इतना टाइम भी स्पेंड किया, तो इस पर अगर हमने ऑनेस्टी से वो जो चीज़ें यहाँ कोर्स में मैंशन थी अगर की, तो ये वो हमारे लिए बहुत फायदा बना। और अगर किसी का नहीं भी हुआ तो आई एम श्योर कि आप किसी ना किसी अपने फिजिबल टाइम पे वो ये दोबारा से जा जाके ये चीज़ें आप करेंगे और अपनी अपने माइंड की सर्जरी करके जो पास्ट के जो लिमिटिंग बिलीव हैं वो ख़त्म करने। हम वो नहीं है जो हमने बिलीव रखा हुआ है, जो हमारे बिलीव सिस्टम बने हुए हैं। हम बहुत कुछ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पोटेंशियल डाला, हम वो कर सकते हैं। तो जो बच्चों को जिस तरह से हमने ये चीज़ देखी कि हमें हमारे बिलीफ सिस्टम कहाँ से बने, कैसे बने, तो अब हमें ये जो हमने अपनी रीपेरेंटिंग की, इनर चाइल्ड का जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो हमने उसको टच किया और उसमें से बहुत सी चीज़ें हमने निकाली भी हैं, मेडिटेशन भी सुनी और उसमें जो जर्नली वर्क किया उसमें से भी किया, जो चाइल्डहुड के ट्रामास थे, चाइल्डहुड की जो ऐसी बिलीफ सिस्टम बनी हुई थी उनको भी हमने निकाला। तो अब हमें पता चला कि अब हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं जिस तरीके से हमने हमें पता चला कि अपने हमारे बिलीव इस तरह बने थे, अब हम इस तरीके से बच्चों को बिलीव बनाएं। बच्चों को आप अगर अपने पास्ट में जाके देखें तो कभी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो कि हमारे हमें अपने ऊपर ट्रस्ट जो डेवलप करने के लिए या हमें क्रिएटिव बनाने के लिए वो चीज़ें हमें बोली जाती, तो हम जो है ना आज बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा जो हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर होते। एक्चुअली हम बच्चों को जब भी काम कर रहे होते हैं तो उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन कम होती है, और जो भी कम्युनिकेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों को नो बोल रहे होते हैं। तो नो का मतलब ये है कि ज़रा बच्चा जब एक दिन में अगर नोटिस लिया जाए, कभी आपका अपनी रिसर्च इस पर करके देखें कि आप जब किसी के छोटे बच्चे हैं या कहीं वो सफ़र में या अपने जो रिलेटिव्स में या दोस्त फ्रेंड्स में जहाँ भी छोटे बच्चे हों, अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व करके देखें कि हम कितनी बार बच्चे को एक घंटे में नो बोलते हैं। फिर जब हम बच्चे को नो बोल देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस बच्चे के साथ एक तो उसको वैलिडेट भी नहीं कर रहे, उसको कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। तो कितना बाद में जब बच्चे बड़े होके फिर हम ये कहते हैं कि बच्चे बात नहीं कर रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो एक तो ये चीज़ है कि हमने उनको जब भी उनसे बात करनी है तो ये हमारी
अफार्मेशन ही है, इस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ कि ब्रेन फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चों की, वो टोटली जो भी बात हम उनसे कर रहे होते हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो हम उनसे वो हमें जो देख रहे होते हैं बॉडी लैंग्वेज, जो हमारी 58% हमारा माइंड परसीव करता है, तो वो जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं वो सारा देख ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो बोल रहे होते हैं। तो अब से आपने देखा कि हमने उनको ये कहना कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत लविंग हैं, हमने उनको एक्सेप्ट करना है, तो इस तरह के जो सपोर्टिव वर्ड्स उनको बोलेंगे तो उन्हें अपने पर ट्रस्ट होगा। अब जब हम बच्चे के ऊपर डाउट करते हैं तो वो क्या होता है कि वो डिफेंसिव हो जाता है, और वो फिर उसने सीखा क्या कि उसने अब वो किसी, जब वो बड़ा होगा बच्चा तो वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो डिफेंसिव पर्सनैलिटी बनेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, तो अब जिनके बड़े हैं हो चुके हैं बच्चे, वो भी कर सकते हैं कि उनको भी जिस तरह खुद मिरर वर्क कर रहे हैं तो उनको भी साथ लेके आए और उनको भी मिरर वर्क के जो है ना तरगीब दें और बताएं। जिनके छोटे हैं तो वो भी अपने बच्चों को जब खुद करेंगे साथ लगाएं तो बच्चे उनके भी इस चीज़ की तरफ आएंगे, और जो जैसे आप खुद को अपने आप को आई लव यू बोलते हैं और आई अप्रूव माई सेल्फ इस तरह से, तो बच्चों को भी साथ रखें उनको भी इसी तरह का बोलें, वो भी ये चीज सीखेंगे। और बच्चों को हमने ये इस पे काफ़ी डिटेल में मैंने बात भी कर ली है, हमें अब समझ आ चुकी है कि हमारी पेरेंटिंग जब जिस जैसे हुई थी अगर उस तरह से हम करेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्स अवेलेबल थे, जो चीज़ें उनके पास थी, उन्होंने उसी सूरत में हमारी पेरेंटिंग कर दी। अब हमने हमें अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी, हमारे पास इतना नॉलेज और विजडम आई, तो अब हम जो है ना उनको इस अच्छे तरीके से उनकी जो है ना नर्चरिंग करें ताकि वो उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट हो, क्रिएटिव हों, सर लव करने वाले हों, सपोर्टिव हों, जैसे हम उनको एक आइडियल पर्सन चाहते हैं हम उनको वैसा ही बना सकते हैं। क्योंकि अब जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो अब इस चीज़ पे वो तो पूरा चैलेंज करते हैं कि बच्चा हमें दें हम आपको उसको बना के देते हैं, उसे अगर हमने बादशाह बनाना है, बैगर बनाना है, उसको चोर बनाना है या एक अच्छा इंसान बनाना है, तो जो कि कुछ बनाना वो इंसान उसका जो इन्वायरमेंट है, जो उसकी ग्रूमिंग है, जो उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, उसके साथ वो इंसान बना सकता है, तो चाहे उसके जीन्स या जो चीज़ें उसके अंदर हैं, लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिले तो वो इंसान उसी जैसा हम बनाना चाहेंगे उसकी हैबिट्स के साथ वैसा ही बन जाएगा। इसके लिए आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी आजकल ज़्यादा नॉलेज इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि दुनिया का हर तरह का इलम और मटेरियल हमें इस नेट की दुनिया से मिल जाता है। तो कितनी जगह पे मैंने देखा, आई एम श्योर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये जो खीर, ये जो कोई ना कोई सब्जियां हैं या कुकेम्बर है, मैंने देखा कि उसको जब वो छोटे होते हैं तो उनको काट के तो वो उस जो इस शेप जो सांचा होता है उसमें वो डाल देते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा तो उस जो सांचा है उसका तो वो मोल्डिंग है उस जैसी उसकी शेप बन जाती है। तो मतलब अगर नेचर में ये चीज़ें, और कितनी एक जगह मैंने जो प्लांट भी देखे वो उनको उस तरह की जो वो थे मोल्डिंग उसमें उन प्लांट को रखा हुआ, ये गुलाब के और दूसरे पत्नी, अभी मैंने कुछ साल पहले मैंने देखा, तो मैं इतनी हैरान हुई कि जब इंसान इतना कुछ कर सकता है, इंसान इतना क्रिएटिव है और इंसान ने दुनिया पे फतह कर लिया, समुंदर के चला गया, अंदर आसमानों पे चला गया, लेकिन इंसान ने अपने आप को फतह नहीं किया, उसने खुद को नहीं जाना कि एक ये इंसान ही है जो इतनी क्रिएटिविटी ला रहा है, ये जो बिजली क्रिएट किया, ये जो हमें अपने सर्वाइवल के लिए जो इतनी इतनी आसानियों के लिए इतनी इतनी जो चीज़ें हमने इंसान ने बना ली, जहाज बनाए, क्या कुछ गाड़ियाँ बने, कितना कुछ बन चुका है, तो इंसान ने अपने आप को नहीं देखा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भी फतह किया और अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग हम तो ये भी नहीं कभी सोचते कि ये चीज़ बनी कैसे, आखिर ये किसी एक इंसान के दिमाग ने बनाई है, उसके माइंड में ये कोई भी चीज़ क्रिएट होती है तो पहले दिमाग में क्रिएट होती है, थॉट्स वहाँ पर आती हैं जो कि थॉट्स बिकम थिंग्स बनती हैं, वहाँ पे ड्रीम्स होते हैं, वहाँ पे ये जो अब देखिए आर्किटेक्ट्स हैं, जो इंजीनियर हैं, ये कितनी जो बिल्डिंग्स और क्या कुछ बना रहे हैं, जो माली है वो किस तरीके से गार्डन को कितना खूबसूरत बना रहा है काट छांट करके, अगर इसी तरीके से वो गार्डन को छोड़ दे तो वो झाड़ियाँ ही पड़ी रहेंगी, दो तरफ देखें, एक झाड़ियों वाला देखें और एक खूबसूरत गार्डन देखें, तो इसका अगर वो
इसी तरीके से हमारा थॉट्स भी हैं। अगर हम हर आने वाली थॉट्स, हर आने वाली विश को पूरा करते रहे तो वो इसी तरीके से होगा जो एक जंगल झाड़ियों वाला जो है ना वो पार्क गार्डन होगा। दूसरी तरफ उस माली ने उसको काट छाट किया तो कितना खूबसूरत बनाया। सेम हमने अपने ऊपर इसी तरीके से अपनी थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को काट छाट करते रहना है। वो उस जब काट छाट हम उनको जब हर आने वाली थॉट्स को ही ये नहीं समझते कि ठीक है, या हमारी जो विश जो विश अराइज होती है उसको पूरा करने के चक्कर में नहीं रहते, तो हम एक बहुत जो अच्छा अरेंज और एक खूबसूरत बाग है उसकी तरह हम अपने माइंड को बना सकते हैं। और उसके लिए यही है कि हम अपनी थॉट्स के ऊपर काम करें, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें, और साथ अब हमने जो पेरेंटिंग सीखी साथ साथ इस तरीके से अब हम अपने बच्चों को इस तरह से सिखाएं और उनके साथ ऐसी अफार्मेशन बोलें और उनके साथ ऐसे वर्ड्स बोलें कि जिनका उन पर इम्पैक्ट अच्छा हो। अब हमें पता चल चुका है कि हमने पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं जो ग्रामेटिकली पॉजिटिव हों, और फिर बच्चों के लिए जो उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करें, जो उनको और क्रिएटिव बनाए और कम्युनिकेटर बनाए। हमें बच्चों को सुनना चाहिए, बच्चों को ना कि हम ज़्यादा बच्चों को सुनाते हैं, हमने बच्चों को सुनना है ताकि वो एक्सप्रेसिव हो। जब हम बच्चों को नहीं सुनते, उनको ऑर्डर्स ही कर रहे होते हैं, वो पेरेंटिंग स्टाइल है, वो भी अगेन कि जो अच्छे वाले पेरेंटिंग स्टाइल में से तीन पेरेंटिंग स्टाइल है, उनमें से जो पेरेंटिंग अच्छे वाला है वो अथॉरिटेरियन है, कि वो जो है ना अथॉरिटी उनके पास होती है लेकिन वो बच्चों की भी जो है ना विलिंग और विलनेस लेते हैं और उनकी भी सुनते हैं। तो अब माशाल्लाह आप में से बहुत अच्छे लोग भी होंगे जिन्होंने अच्छी ग्रूम कर भी दिया बच्चों को, कुछ कर भी दिए होंगे, तो इस मिरर वर्क में कुछ ना कुछ तो आपने लर्न किया, जो पेरेंटिंग हुई है वो अपने बच्चों के साथ भी उनको भी सिखाएं और उनको भी बताएं। और ये एक प्रोसेस है, और अनकंडीशनल लव अपने साथ भी करें और बच्चों के साथ भी। हम बच्चों को मोस्टली इस तरह से भी, हमें खुद नहीं पता ना, वो अगेन हमारे पास उस तरह का नॉलेज नहीं है कि बच्चों को ये आप करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये आप करेंगे तो ये मिलेगा, अच्छे ग्रेड लाओगे। बच्चे उस सूरत में समझने लगते हैं कि हम तो कुछ ना कुछ करेंगे तो हमारे साथ जो है ना प्यार किया जाएगा, फिर वो जो अनकंडीशनल लव वाला एलिमेंट होता है वो रह जाता है, वो फिर सारी ज़िंदगी इंसान को ये लगता है। फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप में जाके हम जो है ना अनकंडीशनल लव मिलेगा, लेकिन वो तो जो कि पेरेंट्स से मिलना है, और पेरेंट्स ने भी सिर्फ जो रिएक्शनरी साइकोलॉजी जो अपने साथ हुआ या जो माशरे में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आने वाले दौर के खौफ लेके हम बच्चों को जो है ना वो ग्रूम कर रहे होते हैं और उनकी नर्चरिंग कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए अपना एक नसीब और उसके अपना एक उसकी प्लेट में उसके लिए रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए 100% रखा होता है, उसमें से अलग बात है किसी की स्टार्ट में ही उसको 50 मिल जाए, किसी के सारे ही खाली जाएँ और बाद में जाके उनके जो है ना वो डिब्बे भरें। तो ऐसा है कि मिलना अल्लाह ताला ने रखा जरूर होता है इस हर एक के लिए, और फिर अगेन वो किसी को दे के किसी को छीन के आजमाता है। तो हम अपने खौफ से बच्चों को करते हैं, हम पहले उनकी छोटी छोटी खुशियों को उनको सुने, उनको देखें, और बजाय इसके कि उनको हर चीज़ बताएं, उनसे पूछें कि आपको उदास होना एक ठीक है, एक अच्छी बात है, आपको गुस्सा आना एक आपका मतलब एक नॉर्मल है, हाँ इस गुस्से को चैनलाइज कैसे करना वो हमने उनको बताना है। फिर यह है कि वो जो फील कर रहे हैं कि मुझे मैं उदास हूँ, तो हम फौरन से क्यों उदास हो, कैसे उदास हो, उसमें ये क्वेश्चन होता है, बच्चे को लगता है कि वो उदास होना गलत बात है, शायद ये मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं शायद बाकियों से अलग हूँ। तो ये जब हम उनसे कहेंगे कि इट्स ओके उदास होना मतलब सही आपके लिए, आप फिर उससे सुने कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ जब आदत बनी होगी तो बंदा जो फील कर रहा वो एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेसिव होंगे तो बहुत सी चीज़ें जो सॉल्व हो जाती हैं। जब कभी किसी की वजह से कोई फील होता है, जो हमने एंगर में भी हमने ये चीज़ सीखी थी कि जिस किसी के साथ हमारा ऐसा इशू हो तो हम उसको एड्रेस करें, उसको बताएं कि मुझे आप ऐसे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगा, आपने ऐसे किया तो मुझे ऐसा फील हुआ, तो उससे वो ये अच्छी एक पर्सनैलिटी बनेगी कि वो बता सकेंगे, डिफेंसिव भी नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव भी होंगे। आज का मिरर वर्क है, मिरर वर्क एक्सरसाइज है,
ये लुई हेस की बुक से है, आपको पता है, और उन्होंने ये कहा कि एक वीडियो उन्होंने बताई है कि एक छोटी सी बच्ची है और वो अफार्मेशन जो है ना वो कह रही है, तो उसका नाम जेसिका है, डेली अफार्मेशन, तो आप उसको देखें और अपने बच्चों को भी वो अफार्मेशन सुनवाएं। मेरे ख्याल से मैंने किसी को एक शेयर भी की थी जो बच्चों की अफार्मेशन है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, वो सुने। अगर वो बच्चों को बजाय हम बाकी कार्टून्स और बाकी चीज़ें दिखाने के, अगर वो अफार्मेशन बच्चा सुनता रहे तो उसके दिमाग में जो सारी सीडिंग होगी उसके तहत होगी तो कितनी अच्छी है। वो काफ़ी ज़्यादा थी और ये लिंक भी है और मैं इस लिंक पे जाके ओपन करके देखें तो नंबर टू पे वॉच दिस वीडियो विद योर चाइल्ड और एनी चाइल्ड इन योर लाइफ। अगर अपना बच्चा बड़े हो चुके हैं किसी और के बच्चों के साथ देखें, इवन विद योर इनर चाइल्ड, मतलब अपने साथ ही जब हम खुद देखते हैं तो उस वक्त हम ऐसे ही लगता है कि हम अपने अंदर के बच्चे के साथ जो है ना बात करें। नंबर थ्री पे आस्क योर चाइल्ड टू डू देयर ऑन डेली अफार्मेशन जस्ट एज जेसिका डिड इन दी वीडियो। अपने बच्चों से कहें कि वो जिस तरह जेसिका ने अपने वो अफार्मेशन वीडियो में कर रही है, इसी तरीके से वो भी अपने लिए अफार्मेशन बनाए, उनको गाइड करें, उनको बताएं। आस्क द चाइल्ड व्हाट इट इज हैपन अबाउट एंड हैव इट टेल दैट टू बी द मिरर। उनको बताएं कि क्या आपने शीशे के सामने कैसे खुशी से बताना और किस तरीके पूरा आपने पूरा जो इस कोर्स में इतने थीम्स में सीखा, आप बच्चों को भी उसी तरीके से जाएं। नंबर फोर, यू कैन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज बाई डूइंग योर ओन मिरर वर्क एंड इन्वाइटिंग, वही मैंने जो पहले बताया कि जब आप खुद कर रहे हों तो उस वक्त अपने बच्चों को भी साथ लगाएं कि वो भी ज्वाइन करें और वो भी ये फॉर्मेशन बोलें, जिस तरह से आई लव यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव कूल हेयर, आई कैन डांस लाइक अ टीवी स्टार। नंबर फाइव, शेड्यूल अ टाइम एवरी डे टू डू मिरर वर्क विद योर चाइल्ड इवन इफ ओनली अ फ्यू मिनट्स इन द मॉर्निंग। और अपने बच्चों के साथ शेड्यूल बना लें, अब तो अगर ये ख़त्म भी हो जाएगा लेकिन मिरर वर्क का टाइम ख़त्म ना करें, वो एक टाइम टेबल सेट कर लें, चाहे चंद मिनट ही हों बच्चों के साथ जो है ना ये एक्टिविटी करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी। अब पावर इज विद इन, जो 20 डेज का जो जर्नली वर्क है, जर्नली एक्सरसाइज है। नंबर वन, बिगिन टुडे जर्नली एक्सरसाइज बाय रीडिंग अ स्टोरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय बुक। ये उसने बताया कि जो लुई हेस है उसकी बुक है एडवेंचर ऑफ लुलू लू, ये वाली बुक पढ़ें। वो और भी बहुत सारी बुक्स हैं अगर पढ़नी है। अब ज़ाहिर है जब इंसान सेल्फ के ऊपर काम करता है तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती हैं, उसमें से कुछ मैंने शायद शेयर भी की थी और कुछ अभी मैं उनके नाम भी शेयर कर दूंगी। PDF में जो है ना ऑनलाइन जो है ना वो डाउनलोड भी हो जाती हैं, बहुत सी फ्री बुक्स भी हैं और जो इसने एडवाइस की है वो भी पढ़ के देखिए। नंबर टू है, अच्छा ये ड्राइंग के लिए है, जो लिखने वाला है तो इसमें ड्राइंग पेपर लें, कलर पेंसिल, कलर मार्कर, क्रेयॉन एंड ग्लू रेडी एंड आस्क योर चाइल्ड टू ड्रा मैजिक मिरर टू गो टू। उसको कहें कि मैजिक मिरर ड्रा करें। छोटे बच्चे तो ऐसे करेंगे, बड़े भी कर सकते हैं और कुछ बच्चों के अंदर तो बहुत ड्राइंग की कैपेबिलिटी होती है, उनको अच्छा लगता है कि वो ड्राइंग करें। एनकरेज द चाइल्ड टू डेकोरेट द मिरर, ग्लू प्रीटी पिक्चर अराउंड इट। वो जब बनाए मिरर तो उसके गिर्द गिर्द अच्छी तस्वीरें लगाएं एंड ग्लिटर एंड स्पार्कल्स टू द फ्रेम, कवर इट इन अ रेट ऑफ कलर। आप उससे बनवा के, ये भी अच्छा है कि जब वो फ्रेम बच्चा बनाएगा, जिनके छोटे बच्चे हैं तो उसको ये अच्छा लगेगा कि उसने अपना एक मिरर बनाया और आहिस्ता आहिस्ता उसको इस एक्टिविटी में इंटरेस्ट होगी। नंबर थर्ड पे है, विद योर चाइल्ड टेक टर्न लुकिंग इन द मैजिक मिरर एंड सेइंग वंडरफुल थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। ये एक छोटी सी एक्टिविटी होगी कि उसने बनाया होगा और अच्छा सा डेकोरेट किया, जो बच्चों की सारी चीज़ें होती हैं जो जब वो पेंटिंग करते हैं तो उसके साथ ये करें कि वो टर्न में कभी आप उसके साथ मैजिक मिरर में अपने आप को कोई वंडरफुल जो हमने पीछे अफार्मेशन बोली हैं खुद बोलें, फिर बच्चे को बुलवाएं। नंबर फोर पे, राइट डाउन द पॉजिटिव स्टेटमेंट यू एंड यूर चाइल्ड से, उसमें से जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो लिखें, सो यू कैन रिपीट दैम वैन यू डू यूर मिरर वर्क टूगेदर। आप पॉजिटिव अफार्मेशन ऐसी लिखें कि आप और आपके बच्चे जो हैं वो इकट्ठे जब आप मिरर वर्क करें तो वो बोलें। यू आर हॉट थाट फॉर डे 20,
आई कम इसका मतलब ये है कि आज आज की जो 20वें दिन की थॉट है, जो कि बार बार लिखनी भी है, बोलनी भी है, शीशे के आगे भी और दिन में भी याद रखना है, आई कम्युनिकेट ओपनली विद माई चिल्ड्रन। जो मैंने पहले बात कही है कि हम अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए अपने आप को खुला रखें, क्योंकि जब हमने बच्चों को, जो मैंने नो वाली बात कही, बात बात पे चेक करने वाली, आप ये कर लें, हम उनको पढ़ाने पे और उनको मार्क्स अच्छे लाने पे, उनको अच्छे काम करने पे इतना ज़ोर देते हैं और बच्चों को लगता है कि हम उनकी ज़ात को इग्नोर करते हैं, जो वो काम करेंगे तो उसकी वजह से हम वो उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसके लिए अपने आप को आज से ये चीज़ याद रखें कि हम अपने बच्चे को एज इट एक्सेप्ट करते हैं, जैसा भी बच्चा हमारा है, वो पढ़ाई अच्छी करे, मार्क्स अच्छे लाए या ना लाए, हमने उसको एक्सेप्ट करना है कि वो हमारा बच्चा है और हमारे लिए उतनी ही वैल्यू रखता है, ताकि वो हमारे साथ उसकी कम्युनिकेशन अच्छे से डिवेलप हो और हम हमारे साथ हर सूरत में वो बात कर सके, एक्सप्रेसिव हो, जो वो फील करे वो हमें बताए, जिस तरह का उसको कोई उसकी विशेज़ हों वो डिस्कस करे। तो फिर जब एक हमारे दरमियान बाउंड बनता, कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों की होती है, तो फिर वो एक बहुत अच्छी सी दोस्त और उनकी जो नर्चरिंग होती है, उनकी जो ग्रूमिंग होती है, जो उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, जो भी बात हम उनको कह सकेंगे या जो हम काम करेंगे तो वो पिक करेंगे और वो करेंगे, और नेक्स्ट बाद में जब वो खुद बड़े होंगे तो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। बच्चों के साथ रबते की लाइनों को खुला रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर नौ उम्र सालों के दौरान। तो अक्सर बच्चों को ऐसी बातें सुनाई जाती हैं जैसे कि ना कहो, कि ऐसा मत करो, ऐसा महसूस ना करें, ऐसे मत बनो, इसका इजहार ना करें। कब वो ये सिर्फ सुनते हैं कि ना करो, ना करो, ना करो, वो बातचीत करना छोड़ देते हैं। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वालदीन शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे कभी फ़ोन नहीं करते हैं, वो फ़ोन क्यों नहीं करते, क्योंकि रबते की लाइनें काट दी गई थी, जो हमने शुरू में उनको ना करो ना करो, उन्होंने नो इतनी सुनी है कि वो हर बात पे अब उन्हें लगता है। तो हालांकि ये बात है ऐसी, इससे पहले देखें, क्योंकि जितनी बार हमारा ये तो सीडिंग थी ना, तो सीडिंग जाती है, तो हमने उनको कहना है कि अब बोलें, उनको हमने इनक्रेज करना था, एनफोर्स करना था कि वो बात करें, अपने बारे में एक्सप्रेस करें, और ख़ुद को उन्हें काम करने देना था। ओवर प्रोटेक्टिव भी हो के हम अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं करते, उस जो ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे होते हैं वो भी बाद में उनके लिए भी मुश्किलात बनती हैं। जिस एज के जो काम होते हैं, जो स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट हैं, उस स्टेज में हम बच्चों को काम करने दें। 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल टच करके चीज़ों को वो सेंस करते हैं, उनका उस वक्त, अब हमने ये देख लिया कि उनका वो दिमाग, माइंड की वो फ्रिक्वेंसी होती है जो नींद में गहरी होती है। तो 2 साल तक के बच्चे को नो कहना ही नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ देखें कि उसे कोई चीज़ें ऐसी डेंजरस ना हो। और वो दूसरा, बच्चा खुद जज कर लेता है कि ये चीज़, एक दफ़ा जब उसे वो चीज़ एक्सपीरियंस करेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है ना, इससे मुझे चोट पहुँची, ये गर्म है, ये ठीक नहीं है। तो अगर हमने बताना भी है बच्चे को, तो हम उसको इस तरीके से, जो बॉडी लैंग्वेज है कि ये पेन करेगी, ये ऐसे है, और अल्फाजों से भी बताएं, तो बच्चा सीखता है। कुछ बच्चे तो होते ही, जिस तरह पर्सनैलिटी एनएलपी में बताया, काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी है, वो तो टच से ही सीखते हैं। और अगर वो बच्चा पैदाशी वो है ही काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी टाइप, तो उसने सीखना ही टच करके, और हमने जब उसे टच करने ही नहीं दिया, तो वहीं से तो उसको हमने वो इग्नोर कर दिया और एक्सेप्ट ही नहीं किया कि अब बच्चे को हमने 2 साल तक, लोग कितना बच्चे को नहीं हाथ किसी जिस चीज़ को हाथ लगाएगा, नो नो। आप कभी सफ़र कर रहे हो, कभी मैंने जो पहले भी बात की है, तो ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि लोग, हम सब लोग बच्चों को कितनी बार नो बोलते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आधे घंटे के अंदर आप नोट कर लेंगे कि कितनी बार बच्चे ने नो सुन लिया। जब आप अपने बच्चों के साथ साथ खुले होते हैं, ओपन होते हैं, मुस्बत बयानात का इस्तेमाल करते हुए, जैसे ये है, उदास महसूस करना ठीक है और आप मुझसे इसके बारे में बात कर सकते हैं, और आप इनकी हौसला अफजाई करते हैं, अपने जज्बात का जज्बात अपने जो इमोशंस है शेयर करते हैं, तो ये मुवासलात की, मतलब ये एक कम्युनिकेशन की लाइनें जो कि शुरू से बहाल होती हैं। बाद में जब टीन एज में जाते हैं, तो उस वक्त फिर ज़ाहिर है वो एक अलग से वो सारा
सिलसिला स्टार्ट होता है और उस वक्त एडल्ट बनते हैं तो वो जो बचपन की वो सारी चीज़ें जो सीडिंग हुई होती हैं तो वो सारी उस टाइम पे इम्प्लीमेंट होती हैं। जो लड़का है उसने अपने फादर को देखा है, इसको आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी रोल में जाता है। जब वो टीन में 17-18 में जाके वो एडल्ट की तरफ जा रहा होता है, वो अपने फादर को कॉपी करेगा, लड़की मदर को कॉपी करेगी। तो हमें इतना केयरफुल होना होता है कि जब बच्चा आ जाता है तो एक कैमरा लग गया, CCTV, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। वो किसकी सूरत में रिकॉर्ड हो रहा है, वो बच्ची जो है माँ को, दोनों को ही देखते हैं, लेकिन वो ये है कि जेंडर रोल, जो जेंडर रोल है तो फिर बच्ची ने जो माँ को देखा वही करेगी। जब हम बड़े होते हैं तो एज इट बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बचपन से हमने वो मिमिक जो है ना, इमिटेशन इसको कहते हैं, वो कॉपी हमने कर लिया था। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और ऐसी लर्निंग है कि जो हमने देख के की थी। जिस तरह से बच्चे शुरू में देख लेते हैं घर में माँ किस तरह काम कर रही है, तो वो जबकि उसने सीखा भी नहीं, लेकिन बाद में जब उसे काम करने का टाइम आया तो वो वैसे ही करेगी जैसे उसकी मदर ने किया था। फिर बच्चे हैं तो वैसे ही, वो लड़के देखें वैसे ही जो टूल्स होते हैं वो वही टूल, पेचकस वगैरह वो कैसे यूज़ कर रहे थे, उन्होंने अपने फादर को देखा, लेकिन वो उसकी जो स्किल मेमोरी होती है उसमें जाके जो स्टोर होता है, जब वो यूज़ का टाइम आता है तो वहाँ से वो वापस यूज़ होती है। आज की जो मेडिटेशन है वेलकम दी चाइल्ड, आज उसके बारे में मेडिटेशन है, ये मैं आपको भेज भी दूंगी। और मेडिटेशन जो रोज़ की है वो ज़रूर एक आध बार सुने, कम से कम दो बार सुने, वो हमारे दिमाग में सीडिंग हो रही है जो, इसलिए हर टॉपिक के साथ एक दिन की मेडिटेशन इसीलिए थी। ये तीनों चीज़ें जिन जिन ने पूरी की होंगी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और डेफिनेटली जो लेक्चर सुनते हैं ये भी अफर्मेशन जा रही हैं, जो आप उसके साथ साथ अपनी सर्जरी करते हैं कि जो आप लिखते हैं तो जो चीज़ें लिखने से निकलती हैं, जो सुप्रेस हुई हुई हैं, जो बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं वो चेंज होते हैं। साथ जो मेडिटेशन है वो सुनते हैं और साथ साथ जो है डेली के डेली अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। और माशाल्लाह आपका सफ़र बहुत, आज 20वें दिन का पूरा हुआ, कल का लास्ट लेक्चर है। और मैं अगेन आपको एक तो कंग्रेचुलेशन कहती हूँ और दूसरा आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने बहुत हौसले से और आपने सब्र से ये सारा कोर्स किया और लेक्चर सुने। तो अल्लाह ताला आपके लिए इस इलम के तवासत से बहुत सारी आसानियां लाए, और आप जो जिस जिसके ज़िंदगी में जो जो मसाइल हैं, जो जो उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, दूसरों को करना, वो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे के वो कर सकें और इस इलम को आप इम्प्लीमेंट कर सकें। अब ये उधर भी मेडिटेशन में भी है और इसका थोड़ा सा मैं उर्दू में चलो वो कर देती हूँ कि अगर वहाँ नहीं सुनते तो यहाँ की तो सीडिंग हो जाए। अपने दिल पर हाथ रखे, अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को ना सिर्फ देखने की इजाज़त दें, आपका अंदरूनी बच्चा बल्कि वो बच्चा बनना किसी से दर्ज ज़ेल को पढ़ने को कहें। ये वैसे एक NLP की एक टेक्निक भी है, बिब्लियोग्राफी। उसमें यह है कि आप किसी दूसरे की नज़र से ख़ुद को देख रहे होते हैं, तो ये अगर आप करेंगे भी तो ये भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है एक किस्म की। उसमें ये होता है कि आप अपने बारे में लिखते हैं कि कोई एक तो पहले खुद देखते हैं कि मैं खुद के बारे में, खुद मेरे अपने बारे में क्या ख्यालात हैं, हमें मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं कैसी हूँ। वो जो एक हमारी सेल्फ टॉक होती है जो नेगेटिव होती है हम सब की, कहीं ना कहीं तो जो है ना, कुछ अल्फाज तो हमारे नेगेटिव होते हैं, एक वो होते, और एक फिर हम देखते हैं कि जो मुझसे प्यार करता है, किसी ना वालदेन जो होते हैं वो हमें प्यार करते हैं पेरेंट्स से, तो उनकी नज़र से हम जो देखते हैं और फिर हम लिख रहे होते हैं अपने बारे में, तो वो ऐसी एक एक्सरसाइज है कि उसके साथ भी इंसान के अंदर बहुत चेंज आती है और बहुत जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिव में चेंज होती हैं। आपको पैराग्राफ तसव्वुर करें कि आप अपने वालदीन को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। ये देखें कि ये पेरेंट्स के बिहाफ हम सो तसव्वुर में देख रहे हैं कि जब हम मतलब इस फैमिली में आए थे एज अ बचपन में, जब यहाँ पर बर्थ हुई तो पेरेंट्स क्या कह रहे थे। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमने आपको ऐसा चाहा, हमारे ख़ानदान का हिस्सा बनने के लिए बहुत कुछ, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, ख़ानदान आपके बगैर एक जैसा नहीं होगा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको पकड़ना चाहते हैं। जब बच्चा मतलब हम जब बर्थ हम उस ख़ानदान में आए, जैसे मैं अपने ख़ानदान में, हम
आपके हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप बड़े होकर वो सब बन सकें जो आप बन सकते हैं। अब देखें, हम बच्चों को ये भी कहें कि आप बन सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, आप जो जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, आपको होना ज़रूरी है। और बेशक हम बातें बड़ी अफसानवी करते हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक करते हैं और बहुत आइडियल करते हैं, लेकिन हमारे अगर अपने अल्फाजों पे गौर करें ना, तो जब हम किसी और इमोशनल अपने किसी मूड जो हमारा ठीक नहीं होता, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हुआ होता है, जिसमें फ्लाइट डिफेंसिव हुए होते हैं, फ्लाइट और फाइट वाला मोड एक्टिवेट हुआ होता है, उसमें हमारे पास जो है ना नेचुरली हम नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। हमारा हर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी, इंसानों को भी हम नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, उनके फ्लॉज ढूंढेंगे। तो उस वक्त हम बच्चों को क्या बोलते हैं? उस वक्त हम ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को बोल देते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपसे एक काम कहा था ये तो नहीं कर सके, आप क्या कर लोगे, आपने तो ज़िंदगी में ये छोटा सा काम तो नहीं किया, आपसे ये नहीं हो सका, मतलब ऐसे ऐसे लफ्ज़, जबकि बच्चे ये डिज़र्व नहीं करते। बच्चों को हर सूरत में हमने वो लफ्ज़ बोलने हैं, वो लफ्ज़ कहने हैं जो कि उनके लिए पॉजिटिव हों। आप देखें वो आप हम उनको ये कह सकते हैं आप बड़े होकर वो सब बन सकें जो आप बन सकते हैं। आपको होना ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि आप कुछ स्पेशल होंगे तो बनेंगे, आप जो हैं आप इसी तरह आप जो बनना चाहते हैं वो बन लेंगे, हमारी तरह आप खुद हो सकते हैं। मतलब जब बंदा बड़ा होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये इतने बड़े कैसे हो गए, इन्होंने पढ़ लिया, ये तो जैसे प्रोकेशनेटर में जो जिन खानदानों में डॉक्टर्स या पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो अपने डिफेंस में कहते नहीं नहीं मैं पढ़ना ही नहीं, मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा कि मैं अपने वालदेन का रिकॉर्ड तोड़ दूँ, मैं उन्हें बड़ा रखना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ एस्टीम लो हुई होती है। तो उस सूरत में बच्चे सोच रहे होते हैं कि ये जो बन चुके हैं उनकी वजारा बचपन में उनको ऐसे जुमले मिले होते हैं, तो वो फिर पहले से घबरा रहे होते हैं कि कहीं हमने अटेम्प्ट की तो हम वो ना बन सके तो फिर हम इनकी नज़रों में गिर जाएंगे, हम इतने बड़े। तो इस सूरत में हम बचपन से हम बच्चों को कहें कि आप भी हमारी तरह बन सकते हैं, आप भी बड़े होंगे, हमें आपकी आप जो यूनिक है हमें आप पसंद हैं, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत रोशन हैं, आप बहुत तख्लीकी हैं, क्रिएटिव हैं, आपको पाकर हमें इतनी खुशी होती है, यहाँ हम अपने ख़ानदान को मुंतखब करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे हमारी हमारी मतलब फैमिली में आए और हमारा हिस्सा बने, हम जानते हैं कि आप वो बाबरकत हैं, तुमने आकर हमें बरकत दी है, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं। अपने छोटे बच्चे को इन अल्फाज को अपने लिए सच करने दें, मतलब जब ये हम ये बोलेंगे तो उनको हम बच्चे तभी सच करेंगे, हम अपने फ्लाज, अपने प्रॉब्लम्स, अपने इकोनॉमिकल इश्यूज, अपने ही जो फैमिलीज़ के साथ हमारे अपने ही जो लोगों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उन सारों को हम अपने बच्चों में इनकलकेट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जब गुस्से में तो उस टाइम हमने अपने माउथ को शट करना है और हमने ये सोचना है कि ये किसकी जगह है, कौन सी बात करनी है, कौन सी बच्चे से बात करनी है और कौन सा मेरा इश्यू है जो मेरे अंदर चल रहा है। इसमें मैं अक्सर काउंसलिंग में भी मैं बताती हूँ कि जब हम अपने कोई इश्यूज़ होते हैं, हमें अपनी जल्दी होती है, हमारे हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम बाजार काम तो कर रहे होते हैं, बच्चे को चाहे कितना अच्छा है कि उसको अच्छा अच्छा खाना भी दे रहे हैं, चाहे उसके लिए दूध लेके जा रहे हैं कुछ भी, लेकिन हमें खुद जल्दी हो रही होती है तो बच्चे को कहते हैं ये लो जल्दी करो ये लो, तो बच्चा सोचता है कि अब मैंने क्या किया कि ये मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। अब वो परसीव तो उसकी बॉडी गुस्सा कर रही है ना, बच्चे को लग रहा है कि शायद मेरे से कुछ हुआ है जो मुझ पर गुस्सा किया जा रहा है। तो हमें अब जिससे जो बात करनी है हमने उसी से वो करनी। अब बच्चे के साथ जब हम बात करें तो उसके साथ हमारा इमोशन भी पॉजिटिव होगा, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होगी, हम अलाइन होंगे तो काम होगा। इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो है ना अलाइनमेंट कहते हैं, कि जो हमारे पूरे जो भी चीज़ है ना वो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी वॉइस है, वॉइस टून है, अल्फाज हैं, ये सारी अलाइंड। तो जब अलाइन होंगे तो वो वही चीज़ मिलेगी ना। अब बात हम बेशक हमारे अल्फाज बड़े प्यारे हैं लेकिन टोन हमारी सख्त है, क्योंकि अंदर से हमारे किसी और अनफुलफिल बिजनेस में हम स्टक हुए हैं, तो वो जो हमने स्टक हुए हुए जो बात की है बच्चे के साथ, तो उसके माइंड ने जो ये कंप्यूटर है इस मशीन ने तो वो चीज़ भी प्रोसेस की, जो 58% है वो बॉडी लैंग्वेज है, 38% जो है वो टोनैलिटी है।
जो वॉइस की पिच है वो तो अल्फाज तो 7% है ओनली, सारी चीज़ें मिलके ही हमारा माइंड प्रोसेस करता है। तो हमने इन चीज़ों को अब भी, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ अब भी हम जो है ना अल्फाजों को जान के और ये माइंड हमारा कैसे काम करता है और कब और किस वक्त हमने बात करनी है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि मैं अपने इमोशन को देखूँ कि किस टाइम पर ट्रिगर हुआ, कैसे ट्रिगर हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं उसको पहले से ही मैनेज करूँ कि ऐसा इंसिडेंट्स होगा तो मैंने ट्रिगर नहीं होना, मैंने डील कैसे करना, क्योंकि अगले के जो है मशीन से किस किस्म की केमिकल रिलीज हुए और वो जब केमिकल रिलीज होते हैं तो किस तरह का उनका मूड बनेगा, किस तरह का बिहेवियर होगा, मेरे अंदर से किस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, किस तरह की सिचुएशन में, और मैंने इन केमिकल्स को किसी पैरासिंपैथेटिक में कैसे करना है, सिंपैथेटिक तो हो गया, एंगर भी हो गया, रिग्रेट भी, इन सबको जब मैंने स्मूथ कैसे करना है, नॉर्मलाइज कैसे करना है कि जहां पे मुझे डिफेंसिव ना हो, जहां मैं न्यूट्रल हो जाऊं, तो ये चीजें हमने सीखी और इससे और भी आप सीखते रहें चीज़ें। अभी ज़ाहिर है इंसान जितना अपने बारे में सीखे उतना कम है, खुद के बारे में ही सीखना, खुद को फतह करना है, तो जब ये वाली चीज़ें हम सब सीख लेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस के हम जो है ना माहिर हो जाएंगे, खुद के इमोशन को जान लेंगे, दूसरे के इमोशन को, और खुद के वो रिकोगनाइज़ करना अपने इमोशन को, दूसरे के इमोशन को रिकोगनाइज़ करना, फिर मैनेज करना। तो ये भी एक वो है, ट्रेनिंग है पूरी की पूरी, लेकिन एटलीस्ट ट्रिगर्स थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता हो तो उन पे हम काम तो कर सकते हैं, फिर इनके बारे में हम जान तो सकेंगे कि इसके ऊपर हम काम करें। आगा रहें कि हर रोज़ आप आईने में देख सकते हैं और ये अल्फाज कह सकते हैं, आप खुद ही सब बता सकते हैं, वो चीज़ें जो आप अपने वालदीन को बताना चाहते थे, आपके छोटे बच्चे को मतलूब महसूस करने की ज़रूरत और प्यार किया, इसे अपने बच्चे को दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है या आपके अंदर का छोटा बच्चा कितना ही बीमार या खौफजदा है, इसे मतलूब और प्यार की ज़रूरत है, उसे रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना और लव करना। अपने अंदरूनी बच्चे को बताते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुमसे और मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये आपके लिए सच्चाई है, कायनात आपको यहाँ चाहती है और इसीलिए आप यहाँ हैं, आपको हमेशा प्यार किया गया है और हमेशा प्यार किया जाएगा, अखलाकिया आप हमेशा खुशी से रह सकते हैं और बस ये चले जी। अभी तो वो नहीं आया ना, अब किसी के कोई क्वेश्चन हो कोई इसके बारे में, अब नेक्स्ट हमारा जो है ना लविंग यूर सेल्फ, वही पिछले वाला हमने दुराना, वो इंशाल्लाह कल का लेक्चर है और जो लास्ट लेक्चर है, और उसके बाद 12 वेज हैं जो हमने कल ही ख़त्म करने हैं। 12 वेज यू कैन लव यूर सेल्फ, स्टॉप क्रिटिसिज्म, ये हमने लास्ट में लास्ट 21वां उसके बारे में करना है जी। कोई क्वेश्चन है? अभी आया तो नहीं है ना, ये क्या कोई क्वेश्चन है कि मेरी वीडियो बंद तो नहीं होगी? नो मैम, चल रही है आपकी वीडियो, बल्कि इतना अच्छा लग रहा था ये अब लास्ट सुन के ना कि कल लास्ट सेशन है, हर सेशन में हमने इतना एंजॉय किया और इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, इतनी चीजें अच्छी अच्छी मिली, तो बस वो सुन के थोड़ा सा ना मुझे लगता सब उदास हो गए हैं। मैं खुद भी हो रही हूँ कि कल लास्ट है तो उसके बाद वो जो एक फीलिंग आ रही है अजीब सी ना। ये तो है, मैं मुझे भी रोज़ अच्छा लगता था और थोड़ा सा मैं भी मिस करूँगी कि हमने सीखा कितना माशाल्लाह, सफ़र वहाँ से यहाँ तक आया और बहुत सी चीज़ें लर्न की, जब मैंने आपको बताया तो डेफिनेटली मैंने भी सीखी, दोबारा से रिवीजन हो इन सब चीज़ों की। बिल्कुल, और बच्चों का स्पेशली जो आज आपने बताया है कि बच्चों की अफर्मेशन भी है, वो तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है कि हम इतने कुछ किस्मत है कि देखें हमें टाइमली इतनी चीजें मिल गई हैं कि अब आगे हम अपने बच्चों को भी अच्छा ग्रूम कर सकते हैं। इस पे तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करें कम है कि अभी हमारे बच्चे उस एज में हैं कि हम इनको बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज बना सकते हैं।
बिल्कुल, और ये ब्लेसिंग है, इसका भी शुक्र अदा करें कि ये आपको टाइमली सारी चीज़ें पता चल गई हैं। और अफार्मेशन इतनी अच्छी है, पता नहीं पिछले दिनों मैंने वो यूट्यूब पे खोली तो उसमें ना बच्चों के, मैंने कहा ये कार्टून के बजाय, इन चीज़ों के बजाय मैंने भेजी है कुछ लोगों को, आपको ये खोल के भेजता। आजकल तो इतना फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लड ऑफ नॉलेज है, तो अपनी पसंद की आजकल तो शॉर्ट वीडियो आ गई है जी, 1 मिनट से भी कम, अब उससे लोग काम चला रहे हैं। फ़ौरन से फ़ौरन अगर 10-20 वो देख ली तो 10-15 मिनट में इंसान वो इतनी वीडियो देख लेता है, और उसमें मुख्तलिफ थीम होते हैं, वो ट्रिगर हुआ थोड़ी देर के लिए, उसको सुकून भी मिल गया और मोटिवेट भी हो गया। अब कौन इतना लंबा अपने ऊपर काम कर रहा है और अपने बच्चों के ऊपर काम कर रहा है, अब जो है ना बहुत, वैसे ये ठीक नहीं हो रहा जो आने वाला दौर है। बल्कि मैम जब अपने ऊपर काम हुआ है ना, जब अपनी सोचों पे कंट्रोल आया है, अपनी इमोशन का पता चला है, अपने बारे में इतना कुछ जान लिया है, उसके बाद दूसरों को जानना बहुत आसान हो गया है। स्पेशली वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, ज्वाइंट सिस्टम है, आप उनको बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा, मैंने तो बहुत इम्प्रूव किया है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर कोर्स में आपके साथ ही रहूं, हर कोर्स में मैंने आपसे बहुत सीखा है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, मैंने जितना आपसे सीखा ना, इतना मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। थैंक यू सो मच। बड़ापन है, बस सीखते रहें। और यहाँ पे मुझे याद आया कि खुद से खुदा तक, मैं हर एक को बताती हूँ, वैसे कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि उसको भी एक्सप्लेन करूँ, वो बहुत अच्छी बुक है। और खुद से खुदा तक जो है ना, वो उर्दू में है और पीडीएफ डाउनलोड होता है, प्ले स्टोर से होता है, वो आप सारे जो है ना वो पढ़ के देखें, वो पढ़ें ज़रूर, अपने बारे में उससे बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा, हमारे इमोशंस क्या हैं, हम क्या हैं, हमारे बिहेवियर कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें ना बहुत फ़ायदेमंद है, वो पढ़ के देखें, रूहानियत भी बढ़ेगी। जब इंसान को अपने बारे में पता चलता है कि ये मशीन कैसे काम करती है, हमारे रवैये क्या हैं, हम क्या हैं, हमारी सोचें क्या हैं, ये सब जब पता चलता है तो बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पीडीएफ वो मेरे ख्याल से शेयर नहीं होता, मैं देखूंगी, मेरे पास जो डाउनलोड हुआ मोबाइल में है, तो अब मैं कुछ करके देखती हूँ, अगर हुआ तो मैं आपको भेज दूंगी। खुद से खुदा तक वो मोबाइल में होता है मेरे ख्याल से, लैपटॉप इन तो वो मेरे खुलता है मेरे ख्याल से, या मैं करती हूँ उसका कुछ किसी तरीके से उसको डाउनलोड, मेरे ख्याल से आपके पास डाउनलोडेड है खुद से खुदा तक? जी मैंने उधर प्ले स्टोर से किया था उसको डाउनलोड, ना बुक की थी वो। हाँ मैं उनको बता दूंगी जी, मैं कर दूंगी ग्रुप में शेयर, तो किसी तरीके से ना, हाँ करूंगी अगर वो हो गई तो। बिल्कुल, वो प्ले स्टोर से आसानी से हो जाती है ना, खुद से खुदा तक। और किसी के क्वेश्चन? कोई नहीं, मैं ही पूछ लूं कितने लोगों को आप माफ कर चुके हैं और कितने रह गए, मुश्किल काम है ना माफी वाला जी मैम, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी को माफ करने का सोचते हैं कि उसने ये जो भी उसने किया है, उसकी वो वाकया याद आता है ना, तो उससे रिलेटेड पूरा चैनल ही खोल जाता है, इतना कुछ याद आना शुरू हो जाता है कि ये इतना मुश्किल है ना, उधर ही आपके इमोशन और आपका हालत हो जाती है कि इसको माफ करना है, बस उसको निकालना है ना, जब वो आपके कॉन्शियस में आ जाएगा और ये चीज़ जब समझेंगे कि ये इसकी मशीन का इसे पता ही नहीं था, इसकी जिस तरह से पर्सनालिटी बन गई, इसकी जिस तरह से आदत बन गई, इसने वैसे ही करना था, वो हम अपने फ्लाज लेके जा रहे हैं, हर बंदा डिफेंस हुआ होता है, उसको समझ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। डॉक्टर नीता कह रही है इनका मैसेज आया लगता है इन्होंने सबको माफ कर दी। वेरी गुड, वो तो ग्रेट है ना। देखें जब माफी स्टार्ट होती है ना, तो दोबारा से वो बहुत ज्यादा उलझन होती है, और उसके बाद सुकून आ जाता है, और ये चीज समझे कि अल्लाह की मखलूक है, इन्हें अपना नहीं पता था, जो ये कर चुके हैं इन्होंने ठीक नहीं किया, आप अपने लिए माफ करेंगे और माफ करके फिर आपको वो सुकून आएगा, उस पर्सन के पास आप बैठेंगे और आपको पता भी होगा, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, लेकिन आप यही देखेंगे ये अल्लाह की मखलूक है, इसे पता ही नहीं है, फिर उससे आप उतना ही रिलेशन रखेंगे कि जिससे प्रॉब्लम ना है,
फिर आप हमेशा कोशिश करेंगे कि बस जितने उनके राइट्स हैं वो देंगे और उनसे उतनी ही बात करेंगे जहाँ से प्रॉब्लम ना राइज हो, तो ऐसा हम कर सकते हैं। क्या मैम कुछ फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको माफ करके उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करें तो वो अपना एटीट्यूड डबल कर लेते हैं कि पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, तो वो समझते हैं कि हमने इसको हरा दिया है, अब उनके इस चीज को कैसे डील करें। तो आपको अपने बारे में पता है ना, वो जो स्टोरी मैंने सुनाई थी कि वो जो अरस्तु को वहाँ गुजर रहा था वो कह रहे गालियाँ दे रहा था, उन्होंने कहा कि ये लोग उसे पूछे कि आप हंस रहे हो और ये गालियाँ दिए जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता ये जिसको मैं वो नहीं हूँ जिसको ये जो कह रहा है, मुझे पता मैं कौन हूँ। तो अब हमें अपने बारे में जब पता तो हमें पता है कि उनके अपने फ्लॉज हैं, इसलिए वो ऐसा समझते हैं, तो समझते रहे, हमें अपने किए का जिम्मेदार है ना। तो हमने जब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया होगा, हमारे सामने कोई कैसा भी बिहेवियर करे, हमने इसको ट्रिगर नहीं होने देना। तो जब इसको ट्रिगर नहीं होने देना तो फिर किसी के कोई भी वो अपने आप को क्या समझे। ये बिल्कुल आपने, मेरे बेटे ने भी ये बात कही थी, वो भी कहता कि जाहिर है अगर जब कोई इतना अपने आप को शो ऑफ कर रहा हो और समझ रहा हो तो फिर तो बंदे को कुछ कहना पड़ता है, तो नहीं कहना, उसको करने देना, लेट्स इंजॉय, उसको अपने आप के साथ इंजॉय करने दे, उसको जो फॉल्टी बिलीव है जो जिस तरह से वो चल रहा है उसको जाने दें। आप भी उस, आपको जितना बन पड़ती है, हम जब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड किसी को देंगे तो जो हम देंगे हमें वही मिलेगा ना। अब हमने ये भी तो चीज़ देखी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा हम भेजेंगे वही वापस आएगा। तो जिस वक्त हमने ये चीज़ समझ ली कि मैं इसको इज्जत दूंगा दूंगी, चाहे ये जिस तरह का इंसान है जो भी है, अपने आप को इसकी वो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में जो फ़र्क है, जो भी उन्हें डिटेल में समझाया हुआ कि जिनका ये बराबर होता है इतना फ़र्क होता है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी उनकी सेल्फ एस्टीम फौरन ही हर्ट नहीं होती, अपने आप को वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाते, जिनका ये इतना डिफरेंस होता है कि वो अंदर से होते कुछ हैं और बाहर से दिखाते कुछ हैं, तो उनका जो है ना वो प्रॉब्लम बनता है। तो जब हमें अपने माइंड में ये चीज़ भेजी होगी तो किसी की बात हमें ट्रिगर नहीं करेगी, क्यों कोई किस तरह से भी, हमें पता कि वो उसका अपना है। ये याद रखें, जो कोई जिस तरह का बीज बोएगा उसको वापस वही मिलेगा। तो हम अपनी तरफ से अच्छा सोच के भेजेंगे, अच्छा एक्शन करेंगे तो हमें वापस वो मिलेगा। गो के उसके रिजल्ट मिलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखें, प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें जो अच्छी हमने भेजी वो वापस अच्छी हमें मिलेंगी। तो दूसरे जो मर्जी सोचते रहे, वो सोचें हमने हराया, वो सोचें बेवकूफ़ हैं, वो जो मर्जी सोचें ये उनकी सोच है, वो उनके करने का, हमारे करने का, हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे और उनके लिए भी आसानियां फैलाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। जब हमने ये चीज़ सोच के करनी है, मैंने एक बात कही थी ना कि अल्लाह तक जाने के लिए दो रास्ते, उसकी मखलूक से प्यार करके उस तक जाना और अल्लाह से प्यार करके उसकी मखलूक से प्यार करना। तो एक वो जो जब हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिल तोड़ते हैं, वो ज़ाहिर है वो इंसान है, हमने उनको बहुत ऊंचे लेवल पर रख दिया होता है, तो जब वो हमारे साथ हमारी उम्मीदों पे नहीं उतरते तो हम उनसे हर्ट होके फिर किसके साथ जुड़ते हैं, अल्लाह के साथ। जब अल्लाह की तरफ जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, तो फिर उसकी हर जब उस एक लेवल आता है कि उसकी हर मखलूक से प्यार करते हैं, वो ये सिर्फ समझते कि अल्लाह की क्रिएशन है। तो कुछ लोग डायरेक्ट पर अल्लाह से प्यार करते हैं, उन्हें पहचान हो जाती है अपनी, अपने जो प्रॉफिट है, जो मैसेंजर है उसकी, और फिर जो क्रिएटर है उसकी। तो जब वो पहचान हो जाती है तो वो अल्लाह की हर मखलूक के लिए आसानियाँ और प्यार करते हैं, तो वो दोनों रास्ते हैं। तो मौलाना रूमी ने कहा कि मुझे अल्लाह तक जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, तो मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो अल्लाह को पसंद है। तो अल्लाह को पसंद है कि उसकी मखलूक से प्यार किया जाए, तो फिर हम उनकी आदतों की वजह से ना करें, हम ये देखें कि ये अल्लाह ने बनाया, ये अल्लाह की मखलूक है। तो फिर हम उनसे देखें, चूंटियां भी हैं, मैंने आपको एक दफ़ा बताया भी है, अक्सर जिक्र करती हूँ इस चीज़ का कि मैं पहले कभी कह देती हूँ ये अल्लाह ये काकरोच क्यों बनाए, मैंने उन सारे अल्फाज के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैं कौन होती हूँ ऐसे कहने वाली। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है जो दुनिया में, कोई भी चीज़ अल्लाह ने फजूल नहीं बनाई। तो हम किसी उसकी जो छोटी सी छोटी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई है, हम उसके लिए हम उसको नहीं कह सकते। तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इंसानों की आदतें अगर ऐसी बनी है, इस तरह के अगर वो रवैये उन्होंने इख्तियार किए, उनसे गलत हुआ है, तो हम
जो है इधर का मामला इधर ही ख़त्म करते हैं, अपने लिए माफ़ करें, क्योंकि ख़ुद को हमने आज़ाद करना है, तो हम ख़ुद को आज़ाद कर सकते हैं। कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला आपके दिल को खुला करे, आपके दिल के लिए आप आज़ाद करे कि आप जो दूसरों ने आपको चोट दी, प्रॉब्लम यही है, इंसानों के मारे हुए हैं, जज्बात के मारे हुए हैं, दूसरों के जज्बात ने हमारे जज्बात तोड़े हुए हैं, हर इंसान के साथ यही प्रॉब्लम है। तो हम इस प्रॉब्लम को जब हम खुद हील हो जाएंगे, आसान नहीं है, कोशिश जारी रखें, जब हील हो जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आप दूसरों को हील करेंगे, फिर आपकी प्रेजेंस, आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना दूसरों को हील करेगा जो आपके पास। जी बिल्कुल, आगे रमजान भी आ रहा है, कोशिश करेंगे फास्ट जो पहला अशरा है उसमें सबको माफ कर दें, ताकि इस ईद पे जो है ना बिल्कुल हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिव हो, ईद मनाएं इस साल बिल्कुल। और एक चीज़ और, रोज़ रात को अगर कहें कि मैं सबको माफ करके सोती हूँ, देखें एक गेस्चर है, एक वर्ड्स है, हो सकता है, मैंने कहा ना दिमाग को सच और झूठ नहीं पता, हम उसको जो देते हैं कंप्यूटर में, हम जो टाइप करके भेजेंगे वो आंसर देता है, वेल डन आप सब ने लिखा इंशाल्लाह, उस कंप्यूटर में जो भी हम भेजेंगे वो वापस मिलेगा। तो अगर हम रात को रोज़ रात एक आदत बना लें कि मैं सबको माफ़ कर दिया मैंने, तो वो एक तो हम झूठ ही कह रहे हैं ना, लेकिन दिमाग को सच झूठ नहीं पता, तो वो अफर्मेशन है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रियल में दिमाग वो करने लगेगा, वो सीडिंग काम करेगी। तो अब ये काम करें कि रोज़ रात सोने से पहले कि मैंने सबको माफ़ किया, जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैंने सबको माफ़ किया। तो इस तरह कहने से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग वही करना शुरू कर देगा, फिर कॉन्शियसली आपको इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम जिसको माफ़ कर चुकेंगे तो उस तक भी पॉजिटिव अफार्म जाएगी, हमारी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। और फिर साथ ये कहेंगे मुझे लोगों का शर जो है उससे बचाना और लोगों की खैर नसीब करना, और मुझे तुम अपने जो बंदे नेक हैं जो हदायत याफ्ता उनसे मिलवाओ, तो फिर हमारे साथ वही होगा, जो हमारी एनर्जी होगी वही अट्रैक्ट होगी, और हमारी तरफ वही लोग आएंगे जो हमारे पास हमारी एनर्जी होगी। जो जो हर्ट ट्रामा वाले लोग होते हैं वो ट्रामा को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो हील वाले होंगे वो हील किए हुए लोगों को होंगे। और ये हमने पहले किया भी है और करके भी देख रहे हैं कि देखें कितने लोग जिनको अल्लाह ने उनकी एनर्जी हमारे साथ मैच की, इस कोर्स में आए, उन्होंने सीखा, उन्होंने लर्न किया, अपने पर काम किया, तो ये सब एनर्जी मैच होने का। और नेक्स्ट भी देखिए कि किस किस तरह से हमारे साथ लोग मैच होंगे, जैसे जैसे आपने देखा ग्रूम होना शुरू किया, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम किया, वो लोग जिनके साथ हमारी सोचें हमारी एनर्जी नहीं मैच करती, खुद से ही छूट गए, आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ हमारा वो रिलेशन, रोज़ की कम्युनिकेशन, रोज़ का जो हमारा उनके साथ था वो ख़त्म होता जा रहा। तो वो सिर्फ इसी वजह से कि हमारी और उनकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही हमारी, हम जहाँ पे बीट कर रहे हैं, हमने कल वाले लेक्चर में देखा कि हमारी इमोशंस की फ्रिक्वेंसी है वो एनर्जी है, तो हमारी और दूसरों की एनर्जी जब मैच नहीं होती तो फिर हमारा और उनका रब्ता नहीं ज़्यादा रह रहा। तो ऐसे ही करें, जब हम किसी को माफ़ करेंगे, खुद को ग्रेटिट्यूड और जो माफ़ी का जो था तो वो कितना ऊपर जो वाइब्रेट कर रहा हमारा इमोशन, तुम्हारी एनर्जी कितनी हाई होती है, तो हाई एनर्जी के साथ जो है ना वो फिर हमारा कनेक्शन जाके हाई वालों के साथ ही मिलेगा, तो हमें हीलिंग मिलेगी, हम दूसरों को हीलिंग, और जो हमारी हाई एनर्जी है तो हमारे से लोगों को एनर्जी मिलेगी, वो हील करें, हम हील करेंगे उनको। इसी वजह से कुछ लोग होते हैं देखिए, उनसे बात करके उनकी प्रेजेंस में रह के अच्छा लगता है कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी जा रही होती है, क्योंकि वो खुद बड़े हाई एनर्जी पे वो बीट कर रहे होते हैं। और आप कहोगे ये हम तो एनर्जी तो हैं, कभी आपने थर्मामीटर लगाया अपने साथ, वो सॉरी टेस्टर जो के चेक करें, ये मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा था कि मैं ये भी बताऊँ, अपनी बॉडी के साथ कभी थर्मामीटर लगा के देखें, हमारी बॉडी में इतनी बिजली है कि एक बल्ब जल सकता है, और उस थर्मामीटर वो क्या है वो टेस्टर जो बिजली चेक करने के लिए कि इसमें करंट है कि नहीं है, वो अपनी बॉडी के साथ लगा के देखें, उसमें जो है ना करंट आता है वो रेड होता है। ये पूरी हमारे अंदर तारें बिछी हुई हैं इस पे भी, बल्कि उस दिन भी मैंने कहा था कि ये मैं कल कोशिश करूँगी, टाइम हुआ तो कल वाले में ये वाली चीज़ें भी कि कितना इतनी आयरन है कि एक कील बन सकती है, और हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें, तो ये सारा सब का सब मैटर है, मादा हमारे अंदर, तो ये सब चीज़ें सबकी एनर्जी है हमारे अंदर, तो जो हम
एक दूसरे की तरफ हमारी थॉट्स जाती हैं तो वेव्स में ही जाती हैं, तो वेव्स कैसे वो एक दूसरे से मैच होती हैं, ये सारी मटेरियल चीज़ें हमारे अंदर भी हैं जो कायनात में बाहर हैं, तो जब ये एक दूसरे के साथ मैच होती हैं तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होती है, वो हम चाहे वर्बली कहें ना कहें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जाती है और दूसरों तक मैसेज जाता है। तो सोचें कि अब हम नेगेटिव ना सोचें, दूसरों को भी पॉजिटिव सोचते रहें और पॉजिटिव मैसेज है। तो डॉक्टर समन ने आई कोच क्वेश्चन नहीं किया, आज बिल्कुल खामोश हैं और टाइम भी मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाला। कैसी हैं? अब एक दिन रह गया, इंशाल्लाह कल का देखें, अल्लाह खैर करे। जी कैसी जी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं आज नींद में थी, मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, आज थोड़ा मैं थोड़ी जागी थी, वो थोड़ा सा आज हेक्टिक होगी रूटीन ना, तो मैं कोई इतनी एक्टिव नहीं थी। चले चले अब सो जाए, मैं अभी अच्छी बात है और सुना तो और सुकून से नींद आएगी इंशाल्लाह। जी जी थैंक यू सो मच। स्लीप आएगी और अच्छा सो जाएंगी, बस सो जाएं फिर अगर पा रही हैं तो।